हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सिंपल इक्वेशन, और उसकी एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करके रखा है। क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। अब इसका मतलब क्या है, जो चीज़ हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सीखी थी वही चीज़ हमें यहाँ पर भी सीखनी है। अब इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको सॉल्व करना, आप भी बुक निकाल लें। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है n प्लस 5 इक्वल टू 19 और ब्रैकेट में दे रखा है n की वैल्यू 1। अब हमको ये पता करना है कि ये n इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये n इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए पहले तो आप ये देखो कि इक्वल टू के इधर जो ये होता है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन हुआ, n प्लस 5 हुआ, और इक्वल टू के इस तरफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में कौन हुआ, 19। अब ये जो n की वैल्यू 1 आपको दे रखी है उसको यहां पर इस n की जगह पे हम रख देते हैं। तो जब इसकी जगह पे हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5, और 1 प्लस 5 कितना होता है, 6। तो आप देख सकते हैं कि LHS हमारे पास कितना आ गया, 6, और RHS में हमारे पास कितना है, 19। तो क्या दोनों बराबर हैं, 6 और 19 बराबर हैं, तो हम कहेंगे नहीं। तो हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS के इक्वल नहीं है। तो जैसे ही हम इसको ऐसा लिख देते हैं तो हम इसके बाद क्या कहेंगे कि n इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। n इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ किस इक्वेशन का, n प्लस 5 इक्वल टू 19 का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तब माना जाएगा जब LHS किसके बराबर हो जाएगा, RHS के। तो ये तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बता दिया। अब बुक भी आप खोल के रखेंगे, अब बुक में आप देखेंगे सेकेंड पार्ट में क्या है, आप जरा देखेंगे, ये है सेकेंड पार्ट में 7n प्लस 5 इक्वल टू 19 और n की वैल्यू कितनी रखने के लिए कहा है, -2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे जरा। तो 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, -2। फिर से वही इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो ये होता है इसको हम कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखो 7n प्लस 5 और इक्वल टू के यहां जो होता है इसको कहते हैं हम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में कौन है, 19। ठीक हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करना है, आपके पास n की वैल्यू कितनी दे रखी है, -2। तो वो n की वैल्यू यहां पर रखनी है, n की जगह पर। कैसे रखेंगे, पहले तो आप ये समझ लो कि ये बीच में 7 और n के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो आप इसको ऐसे लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, 7 का 7 उतार दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई उतार दिया, n की वैल्यू कितनी हमारे पास, -2, और साथ में क्या है, +5। 7 को 2 से, यहां ध्यान रखना यहां मल्टीप्लाई करना है, माइनस मत कर देना। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 14। अब साथ में ये माइनस भी तो है तो आंसर में भी ये माइनस लगेगा, और साथ में क्या है, +5। -14 + 5 कितना होता है, ये होता है -9। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो LHS है वो कितना आ गया है, -9 आ गया। RHS में कितना है हमारे पास, 19 है। तो क्या दोनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे नहीं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, पहले तो ये लिखेंगे।
और जैसे ही LHS RHS की इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि n इक्वल टू माइनस टू जो है इसका सोल्यूशन भी नहीं है। हम लिखेंगे n इक्वल टू माइनस टू इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन नहीं है, इस इक्वेशन का। तो 7n प्लस 5 इक्वल टू 19, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए थर्ड पार्ट देख देंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, आप ये थर्ड पार्ट देखेंगे। ये थर्ड पार्ट में है 7n प्लस 5 इक्वल टू 19 और n की वैल्यू आपको 2 रखने के लिए कहा है, ठीक है। इस बार n की वैल्यू 2 रखने के लिए कहा है। तो थर्ड पार्ट को मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। पहले ये है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और ब्रैकेट में n की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब आपको बता दिया कि इक्वल टू के इस तरफ वाला हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन आ गया, 7n प्लस 5 आ गया। इक्वल टू के इस तरफ कौन होता है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में कौन आ गया, 19 आ गया। अब आपके पास n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जो ये n लिखा है इसकी जगह पर आपको 2 रखना है। लेकिन उससे पहले ये जो बीच वाला स्थान है ना, ये 7 और n के बीच में, यहां पर कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। और यहां पर तो ये 19 ही रहेगा। अब ये जो n की वैल्यू 2 है उसको हम यहां रखते हैं, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 14, और साथ में क्या है, प्लस 5। तो 14 में 5 ऐड कर दो, कितना आ चुका है आपके पास, ये आ गया 19। तो आप देखें LHS आपके पास कितना आ गया, 19, और RHS कितना है, वो भी 19। तो इसका मतलब हो गया कि LHS जो है इक्वल होगा आपका RHS के, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए हैं। तो हम कह देते हैं LHS आपका RHS के इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो अगर LHS RHS की इक्वल है तो हम कहेंगे n इक्वल टू 2 जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी है। तो हम लिखेंगे n इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन है, इसका, 7n प्लस 5 इक्वल टू 19 का सोल्यूशन। तो ये थर्ड मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ तो आप खुद ट्राई करें, डी वाला पार्ट आप खुद ट्राई करें, मैं ई वाला पार्ट आपको बताता हूं, ठीक है। ये डी आपको खुद करना है। ई वाला पार्ट क्या है, 4p-3। ई पार्ट है आपके पास 4p-3 इक्वल टू 13 और पी की वैल्यू कितनी है, -4। तो इक्वल टू के इस तरफ कौन होता है, LHS। कितना है वो, 4p-3, और इक्वल टू के इस तरफ कौन होता है, RHS। कितना है, 13। अब 4 और p के बीच में यहां पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको ऐसे लिख के दिखाता हूं, 4 मल्टीप्लाई p-3। अब p की वैल्यू देखो कितनी है, -4। तो यहां पर -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा p मल्टीप्लाई -4 -3। अब 4 को 4 से अगर मल्टीप्लाई, आप माइनस मत कर देना, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। और इस माइनस का क्या करें, ये भी यहां पर लगा रहेगा और साथ में ये -3 भी है। -16 -3 कितना हो गया, -19। तो LHS हमारे पास कितना आ गया, -19, और RHS हमारे पास कितना है, 13। तो हम यहां पर कहेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS की इक्वल नहीं है। तो जब LHS RHS की इक्वल नहीं होगा तो हम लिखेंगे P इक्वल टू -4 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ 4p-3। तो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक हो गया। चलिए अब हम एफ पार्ट करते हैं। ये जरा देखो, यहां पर ये रहा एफ पार्ट आपके पास, 4p-3 इक्वल टू 13, p इक्वल टू 0।
ये है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, p इक्वल टू 0। अब इक्वल टू के इस तरफ वाले को हम क्या बोलते हैं? LHS। इक्वल टू के इस तरफ वाले को क्या बोलते हैं हम? RHS। तो RHS में कौन है? 13। LHS में कौन है? 4p माइनस 3। अब 4 और p के बीच में कौन सा साइन है? यहां पर बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई पी माइनस 3। पी की वैल्यू कितनी रखनी है? 0, और साथ में क्या है? माइनस 3। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ गया, और साथ में क्या है? माइनस 3। 0 माइनस 3 होता है माइनस 3, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं यहां पर। तो देखो LHS हमारे पास कितना आ गया? माइनस 3, और RHS कितना आ गया? 13। दोनों एक दूसरे के बराबर तो है नहीं, तो हम यहां पर कहेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और साथ ही साथ क्या कहेंगे कि हम लिखेंगे P इक्वल टू 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ 4p माइनस 3 इक्वल टू 0। हो गया। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप एक जो क्वेश्चन है वो खुद करके देखोगे। वो क्वेश्चन है आपके पास 3n प्लस 5 और n की वैल्यू माइनस 3। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपको करना है, ये खुद करना है आपको। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को, इस टाइप के सारे क्वेश्चन को कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।